वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। चले और अभी हम निकल लेते हैं मंडी के लिए। अभी आप देख सकते हैं कि टाइम हो रहा क्या है, कि ये टाइम हो रहा, बहुत लंबा सफ़र है। अब हम आपको मिलेंगे मंडी में। चले सो गाइस, वी आर एट कुंडी समारोह। हम यहाँ बकरे लेने जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारा दोस्त फर्रुख पैंट शर्ट में आया है, जिसकी वजह से लोग समझेंगे कि ये यूरोप से आया है और इसको महंगा बकरा मिलेगा। और हमारा दोस्त हसन शलवार कमीज़ में आया है, जिसकी उम्मीद है कि उसको बकरा सस्ता मिलेगा, लेकिन ये पट्टी की चप्पल में भी आया है, शायद ये इस उम्मीद में कि इसको फ्री में बकरा दे दिया जाए। तो हसन, आप क्या कहेंगे इस बारे में? कोशिश ये होगी कि आज हम कुछ ना कुछ लेकर जाएं यहाँ पर। सही सही। हसन भाई की इस बात का मकसद समझ में नहीं आया, लेकिन वो हम बाद में पूछ सकते हैं इस वीडियो के बाद ऑफलाइन। बहरहाल, हम पैंट शर्ट में आए तो हमें तो बकरा नहीं मिलता, लेकिन हम अपना वीलॉग बनाएंगे और हसन भाई को बकरा दिलाएंगे। तो हमें जाना है सुमारो, और ये है बच्चापन। तो यहाँ से तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव है, तो मिलते हैं हम आपको समारोह में। गाइस, इस वक्त हम पहुँचे हैं कुंदरी बकरा मंडी में, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे बकरे हैं, इनके रेट भी अच्छे बता रहे हैं। तकरीबन एक मन का बकरा जो है वो 23-24 हज़ार रुपये का बता रहे हैं, उसके हवाले से तो काफ़ी अच्छे बकरे हैं। लेकिन अभी हमारी फ़ोन पे बात हुई है, आगे मोर जंगू एक गोट है जहाँ पे 1500 बकरे हैं, तो हम उस तरफ जा रहे हैं बकरे लेने के लिए। सुना है वहाँ पे और ज़्यादा अच्छे बकरे हैं, तो आपको मिलते हैं मोर जंगू में। गाइस, हम पहुंच चुके हैं इस वक्त मोर जंगू, जहाँ पे हमने बकरों की बात की है देखने के लिए। ये दरवाज़े के लिए बंदा आ रहा है, दरवाज़े को खोलने। इसके पीछे एक खजूर के दरख्त है, उसके पीछे 1500 बकरे हैं, और काफ़ी गर्मी है इसलिए कुछ लोग यहाँ बैठ के चाय बना रहे हैं। इन्होंने हमें भी चाय ऑफ़र की है, बहुत अच्छे लोग हैं। और ये हमारा दोस्त फ्रॉम कराची, मिस्टर फर्रुख, और ये हमारा दोस्त जो कि कराची में पला बड़ा है, लेकिन ही इज़ फ्रॉम मीरपुर खास। तो दरवाज़ा खुल चुका है और अब हम जा रहे हैं मोर जंगू में। ये अमरूद के बहुत अच्छे दरख्त हैं, खेत हैं इनफैक्ट, नॉट दरख्त। और ये है वो जगह जहाँ पे डिफरेंट लोकेशंस पे तकरीबन 200 बकरे हर जगह रखे हुए हैं, तो हम इनमें अपना बकरा पसंद करेंगे। ये वाला बकरा है जो पसंद किया है। बहुत ही ज़बरदस्त बकरा है, राजनपुर की नस्ल है। कितने दांत है? दांत चेक कर। दो दांत है। दो दांत है? जी हाँ। अच्छा, ठीक है, इसकी हाइट का आइडिया आपको हो जाएगा इसे। ये देख, हाइट भी अच्छी है, जबरदस्त। तो हमने अपने बकरे पसंद करना शुरू कर दिए हैं। 1.25 मन से 1.5 मन तक का बकरा हम पसंद कर रहे हैं, और उसकी कीमत जो है वो 28,000 से तकरीबन 32-33,000 के दरमियान है। हम 8 बकरे पसंद करेंगे यहाँ पे टोटल।
ये एक शानदार अमरूद के खेत और यहाँ अमरूद लगे हुए भी हैं। इन्होंने ये कहा है कि हम अमरूद तोड़कर खा सकते हैं। तो एक मुझे पका हुआ अमरूद नज़र आया, ये शानदार, इसको धोकर खाएंगे। और ये पूरे खेत अमरूद के हैं। ये दो बकरे मैंने अपने लिए पसंद किए हैं। इसमें लाइट ब्राउन वाला जो है वो तकरीबन 28,000 रुपये का है और डार्क ब्राउन वाला जो है वो 29,500 रुपये का है। 19-20 का फ़र्क है, वज़न में ऑलमोस्ट सेम है दोनों, लेकिन जो बात बनी है वो 27,000 और 28,500 की बनी है। कराची में ऐसा बकरा जो है वो तकरीबन 35 से 40,000 रुपये का है। ये वाले बकरे भी हमने पसंद कर लिए हैं, इनकी कीमत भी 28,000, 29,000 और 30,000 है। ये 6 बकरे बहुत ही आला नस्ल के बकरे हैं और सब के सब 2 दांत बकरे हैं, ज़बरदस्त माशाल्लाह। और ये कुंडी समारोह वालों की मेहमान नवाजी, हमने सुजुकी वाले को बुलाया, उसको आने में तकरीबन 20 मिनट लगेंगे, तो इन्होंने हमारे लिए खाना अरेंज किया है, चिकन कढ़ाई, क्योंकि बहुत ही अच्छी लग रही है शक्ल में। ये मैं आपको दिखाता हूँ रायता और चिकन कढ़ाई, ज़बरदस्त, और पराठे। तो अब हम एंजॉय करेंगे अपना लंच, मेहमान नवाजी को दाद देते हैं हम इनकी। ये है मेहमान नवाजी हमारे खास के दोस्तों की। तकरीबन 2,28,000 रुपये के ये सारे बकरे हैं, 8, तो ऑन एन एवरेज 28,500 रुपये का एक बकरा पड़ा। आप इमेजिन कर सकते हैं इतने जाइंट बकरे, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारा दोस्त कुंदरी से 2 बकरे लाके अपनी नींद पूरी कर रहा है। और ये हमारा दोस्त कराची से कुंदरी तक 6 घंटे ड्राइव कर कर आया और 6 घंटे चला कर वापस भी जाएगा। और मैं इनको मोरल सपोर्ट देने के लिए कराची से आया हूँ। और ये हमारे बकरे कुंडरी से जो हम लेकर आए हैं, 8 बकरे, और ये बंदा भी साथ है जो कि ख्याल रख रहा है कि कोई बकरा ट्रेन ना हो। काफ़ी लंबा सफ़र है, 6 घंटे लगेंगे तकरीबन हमें कराची पहुँचने में। और इस वक्त टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। शो कर दें। तो ये अभी हमने लिए, और अगर वीडियो पसंद आए